फिर यह गुम है किसी के प्यार में को छोड़ा पत्र लेखा ने यानी कि ऐश्वर्या ने, और ऐसे में लगातार फैंस ने की पाठी की या यूं बोले ऐश्वर्या की ट्रोलिंग। लेकिन अब ट्रोलर्स को दे दिया है ऐश्वर्या ने मुंह तोड़ जवाब, क्योंकि ऐश्वर्या आ रही हैं बहुत ही बड़े रियलिटी शो में। आखिर यही थी क्या वजह जिस वजह से छोड़ा था गुम है किसी के प्यार में? चलिए आपको बताते हैं पूरी की पूरी खबर इस रिपोर्ट में। पर अगर नहीं किया है अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को दबा दें। दोस्तों, सीरियल गुम है किसी के प्यार में को छोड़ने के बाद पत्र लेखा या यूं कहें ऐश्वर्या की लगातार सोशल मीडिया पर ट्रोलिंग हो रही थी। लोग तरह तरह की बातें बना रहे थे। कहा जा रहा था कि ऐश्वर्या प्रेग्नेंट है, तो कोई कह रहा था मेकर्स ने लात मारकर निकाल दिया, कोई ये कह रहा था कि अपनी नेगेटिव इमेज को सुधारने के लिए ऐश्वर्या ने ये शो छोड़ा। लेकिन जना अब ऐश्वर्या के हाथ लग चुका है टिकट टू कलर टीवी। सही सुना आपने, रियलिटी शो खतरों के खिलाड़ी सीजन 13 को साइन कर चुकी हैं ऐश्वर्या। और हम आपको ये भी बता दें कि साउथ अफ्रीका के लिए जल्द उड़ान भरने वाली हैं ऐश्वर्या। शनिवार को होने वाली है मुंबई में खतरों के खिलाड़ी सीजन 13 की प्रेस कॉन्फ्रेंस, और इस कॉन्फ्रेंस में आप सभी को ऐश्वर्या भी नजर आने वाली है। हम आपको बता दें कि खतरों के खिलाड़ी के लिए तैयार होने के लिए ऐश्वर्या ने अपनी कमर कस ली है, और ऐश्वर्या जमकर कई सारी चीजें प्रैक्टिस कर रही हैं, फिर चाहे वो स्विमिंग हो या फिर जिम में घंटों तक पसीना बहाना, क्योंकि अब ऐश्वर्या को अपने ट्रोलर्स को देना है करारा और मुंह तोड़ जवाब, करना है साबित ये कि वो किसी से कम नहीं है। तो क्या ऐश्वर्या ने शो को छोड़कर किया सही या गलत, या ट्रोलर्स ने जो कुछ कहा वो सही है या गलत है? क्या कहेंगे आप? क्या ऐश्वर्या सच में थी इतनी बुरी कि फैंस ने कर दिया उनको इतना ट्रोल क्योंकि वो कर रही थी पत्र लेखा का किरदार? वेल, आप अपनी राय हमें कमेंट्स में जरूर लिखकर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करना आप ना भूलें।